everybody, this is Kiran Rawat and you're watching Walking Brilliance. तो आज हम जा रहे हैं सिद्ध बली और मैंने अरुण और अभय को बोला था कि सुबह 5 बजे का टाइमिंग है, 4 बजे की बात थी यार, और ये लोग 7 बजे पहुंचे, इसीलिए मैंने इनको 5 बजे का टाइमिंग दिया था क्योंकि आई न्यू कि ये लोग नहीं पहुंचेंगे टाइम पे. और रात को क्या बोल रहा था अरुण, कितने बजे आएगा? अरे मैं तो कह रहा 3 बजे आते यार, इसने करी लेट यार. तो सिद्धबली यहाँ से है 117 किलोमीटर फार. तू जा कहाँ रही है? तूने बताया नहीं. ओह माय गॉड, हम जा रहे हैं डायरेक्ट से. सिद्धबली 100 डायरेक्ट 117. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड. गाड़ी बंद है क्या? भाई तेरे को तब बैठ के बोला था. लेट लतीफ लोग हैं ये, इतने लेट लतीफे की क्या बताएं हम. हमने मॉर्निंग में प्लान, रात को इनका कॉल मुझे आया था, कितने बजे बोल रहा था तू? और मैंने कहा था 3 बजे, 4:30 बजे पहुंचने वाला था मेरे घर. और सुबह के बाद ना इतना. अरुण कुछ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्या मतलब लोगों को बता. अरुण दो ऑप्शन है, रिंकू अरुण ने, हमारे पास अदर ऑप्शंस भी हैं. ओके कुछ और है क्या? मैं बताऊं सबको पता चल जाएगा तेरा निकनेम. नो नो, अरे चलेगा इट्स ओके. दूसरी दिल पे नहीं लेनी. चलिए जी, जान दे, देख गाड़ी खड़ी नहीं है, वहां पीछे लगा दी कुर्सी में गाड़ी. वो क्या है, पीछे एक और भी है भाई, बस आपके, आप किसी की जरूरत नहीं है. हां तो और भी. अच्छा चेतन, कितनी हो गई टोटल सैलरी? नहीं चेतन, नहीं बताना, मत कर. बोल बोल मेरे भाई, बोल. जितनी मेरी सैलरी है उतना चेतन टैक्स भरता है. चेतन को बोलना ही है. मेरी सैलरी अब होगी, मैं अभी नहीं है. अभी तो जॉब भी नहीं लगी है, इसको ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं लो, अभी सब खुद गरीब है. वेरिएबल इंक्लूड करके, वेरिएबल इंक्लूड करके किरण, वेरिएबल इंक्लूड करके. सुन लो, कहिए गाइस, फ्लाइट में से मैसेज आ रहा, अरे अभी नहीं आना था, हमने तो 3-4 महीने बाद बोला है. अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार. और यहाँ से कितना किलोमीटर है चेतन? कितना किलोमीटर बता रहा है? 73 किलोमीटर है यहाँ से. अभी अब है मेरी बेइज्जती करने वाला था. लेट्स गो डू इट राइट नाउ. ये कोड द्वार लेके जा रहे हैं इस बार, इन्हें रास्ता ही नहीं पता. रास्ता मतलब मैप लगा रखा है, देख नहीं. अभी हम लोग सीधा डायरेक्ट जा रहे हैं सिद्धबली, आते वक्त हम हरिद्वार भी रुकेंगे. इनडायरेक्ट कैसे जाते हैं? इनडायरेक्ट का मतलब इनडायरेक्ट कैसे जाते हैं? हरिद्वार रुकने जा रही है भाई, हरिद्वार भीड़ रहेगी आते वक्त. थोड़ा सा रुक जाएंगे गंगा माँ के दर्शन. तू रुक जाइयो, हम घर चले जाएंगे. क्या बोल रहा था अरुण तू, कि तूने सैटरडे प्लान किया था? बोल रहा था इनको यार, हमारा प्लानिंग सैटरडे का था, इस अकेले बंदे की वजह से आज हमने संडे का प्लान बनाया. केवल मतलब चकरा तो जा रहे थे भाई, बड़ी नाइट आउट, वो भी नाइट आउट. रेडी कैमरा एक्शन. कौन सा एक्शन? गढ़वाली सॉन्ग. एक्शन अरुण के, एक थप्पड़ मार दियो कैमरा. एक्शन पटाओ का एक थप्पड़ भाई, यही तो था स्क्रिप्ट में. हे गाइस, डू इट डियर. आई अरुण का फेवरेट लाइन है, हे गाइस गाइस क्या हो गाइस भाई, गाइस वी आर इन गढ़वाली. और आज हम का हमारा गाइस हमारा प्राण है, जंगल है, ये तो जंगल है गाइस. देख रहे हो गाइस, पानी थी भाई, यहाँ का व्यू देख.
वी हैव रीच्ड कोटद्वार. हम कोटद्वार पहुंच चुके हैं. यहाँ से कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर है. बस 5 किलोमीटर. गाइस मैं थकी. दोस्तों एक बात बताऊं आपको. अरे क्या सिद्ध बलि आना है ना, तो मतलब मत आना फिलहाल. अब आना तो 2-व्हीलर लेके आना, 4-व्हीलर से बिल्कुल मत आना. तो हमने यहाँ पे अभी गाड़ी पार्क कर दी है, बट हम कम से कम 1 किलोमीटर आगे आ गए हैं मेन मंदिर के रास्ते से. लास्ट टाइम अभय क्या कर रहा था फैब्रिक से अपने, हाँ नाउ ही हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ इट. तो आज वो शूज पहन रहा है. ये है हमारा सिद्ध बलि मंदिर. अभी हम यहाँ से ब्रिज क्रॉस करते हुए जा रहे हैं. ये बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा है. तो जो 4-व्हीलर लेके आ रहे हैं कृपया 4-व्हीलर ना लेके आए, 2-व्हीलर से आए. चलो गाइस मिलते हैं आगे. अभय ने प्रसाद देने में इतना बिजी हो गया कि मूर्ति के दर्शन करने ही भूल गया. गुड़ निकाल के रख दो, हमने गुड़ दिया और हम लोग इतना बिजी हो गए कि मैंने गुड़ देते हुए निकल गए वहीं से. और हमें पता नहीं था कि लव लास्ट है. वीकेंड पे मत आना, अदर डे पे आप आ सकते हो, इतना भीड़ होता नहीं. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भंडारा कर रहे हैं, चलना है. भंडारा रोज होता है यहाँ पे, और यहाँ पे एवरी सिंगल डे भंडारा होता है. कोई ना कोई यहाँ पे करवाता रहता है. चल, तो प्रेस्टीजियस मंदिर आप आ सकते हो देखने के लिए. फिर गाइस ये मत बोल देना कि ये किसका चैनल है. ये मेरा चैनल है क्या? ये मेरा चैनल है, मेरा. गाइस ये होने वाला ऐसा ही है, कोई चालान वाला ना हो तो कांटेक्ट मी एंड देन आई विल कांटेक्ट हिम. इस दिन का व्लॉग याद रखना, और जिस दिन बन जाएगा अरुण फिर हम इसको क्लब दिखाएंगे. बाय चांस भगवान ना करे ना बने, पर नहीं बने तो भूल जाना. कोटद्वार की गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, बट चलो चलो गाइस. ओके इट इज़ वर्थ इट. दर्शन मिलते हैं, गाड़ी मिलेगी फिर मिलते हैं आपको. बाय बाय. ट्रैफिक देख रहे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा. आज पता नहीं क्यों है, मुझे नहीं पता, पहली बार ही आया था, बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है. मेरे हिसाब से तो बहुत ही खतरनाक वाला है. देख लो गाड़ी कैसे रुकी पड़ी है, मतलब धीरे धीरे चल रही, धीरे धीरे बढ़ रही है. बढ़िया एक्सपीरियंस गाइस, ठीक तो था पर भगवान जी नहीं देख पाए यार. प्रसाद में गुड़ था, गुड़ गुड़ बोले, गुड़ निकाल कर गुड़ निकाल ज्यादा मलीन हो गया था प्रसाद देने में कि वो भगवान को देखना ही भूल गया, दर्शन करना ही भूल गया. अभी हम गाइस एक कैफे बोल रहे हैं. ये एक लड़की है, लड़की हमारे साथ द्वार के ना, एक कैफे के लिए बोल रही है. कैफे में जाते हैं, वो बहुत अच्छा ऐसा लाइक कैफे अच्छा है कि अब देखते हैं, अगर होगा अच्छा नहीं हुआ तो बस वैसे भी. My sister has suggested me that, so you can blame her, not me. इनकी बहन वहाँ पे वो करती थी, भांडे मांजती थी. एक्सपीरियंस हमारा सही था, लेकिन आज वीकेंड है तो बहुत ज्यादा क्राउड है. अपना छाता अपने साथ लेके आई, बहुत गर्मी है, कैप अम्ब्रेला जो मिले वो लेके आना साथ में, क्योंकि बहुत ज्यादा कोटद्वार की गर्मी है. गर्मी नीले कमल प्रॉपर दुगट्टे हैं ना.
अभी हम दुगट्टा में हैं तो वैसे हमारा प्लान लैंसडाउन जाने का था कि वहीं पे खाएंगे, बट दाल मखनी। जो भी इस बात से खफा है वो चेतन को कॉन्टेक्ट करे। ये गाना तभी बजेगा जैसे गड़बड़ी के मैं एक एक करके तुमको अर्थ बता रहा था, इसका भी मेरे को संदर्भ से व्याख्या चाहिए। चेतन भाई आज चेतन ने आज पहना तो ब्लू वो सॉरी येलो कलर का है बट लग नहीं रहा है आज इस मूड में। आज हमें चेतन के डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वो दिखे। आज ये वो बोल रहा है कि ऐस को माल बोलते हैं कि माल दर्द। हाय ये दर्द कहाँ लेके जाओगे? इतना नहीं है तो अभी अभय को आ रही थी नींद तो वो रुके हैं अनमोल गढ़वाली ढाबे पे चाय पीने को। चाय? यस सर। क्या लग क्या पिएगी तू? चाय 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 ना। हाँ ये है गढ़वाली लोग जो 39-40 डिग्री सेल्सियस में भी चाय पीते हैं। चाय फ्री लीजिए सर। पी के कौन चेस करता है? ये वाला काटना पड़ेगा केवल ये वाला करना पड़ेगा। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली देहरादून पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग किरण को छोड़ने आए हैं और इसके बाद मतलब सबसे पहला स्टॉप यहीं था किरण को। इससे पहले हम एक फ्रेंड के यहाँ चले गए थे, मतलब वो भी हमारी फ्रेंड है बट वो जा नहीं पाई कुछ रीज़न से, बट हम लोग चार ही बंदे गए थे और अब हम लोग यहाँ से किरण को छोड़ के ही जा रही है। अब हम यहीं पर गाइस इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस। बाय Please do subscribe and do like.